हम लोग सफर में इंटरेस्टेड है, मंजिल में नहीं, है ना? आई वेंट ऑन एन 8 डेज लॉन्ग रोड ट्रिप विद माय फ्रेंड्स सिद्धांत, अभिलाषा एंड परीक्षित. आई हैव नेवर डन समथिंग लाइक दिस इन माय एंटायर लाइफ. आवर मेन डेस्टिनेशन वाज शिमला. शिमला पहुंच चुके हैं. शिमला वाज सो एस्थेटिकली प्लीजिंग, व्हिच आई विल बी शोइंग यू इन माय नेक्स्ट फ्यू व्लॉग्स. बट आज की वीडियो में हम लोग जर्नी की शुरुआत करेंगे. सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस जर्नी विद मी. हमारा पचका हो गया गाइस, वी रीच्ड बाताज. बारिश हो गई तो लोग हम लोग के सुसु करने के बाद गाड़ी हल्की चल रही. नाम स्पॉट बॉय. फोन फेंक दे क्या इनका? मुझे पता आप लोग सोच रहे कि ये तो रोड ट्रिप है, शालिनी ट्रेन में क्या कर रही है. भोपाल से नरसिंहपुर में जा रही हूँ वाया ट्रेन. 4 घंटे का रास्ता है. एंड नोबडी इज बिसाइड मी बाय द वे. या आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस रोड ट्रिप. आई हैव नेवर डन समथिंग लाइक दिस इन माई लाइफ. और मैंने अपने बर्थडे वाले ब्लॉग में आपको बताया था दैट आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड न्यू एंड दिस कुड बी द स्टार्ट. सो मुझे पिक करने आएंगे परीक्षित और सिद्धांत. यस, दे आर पार्ट ऑफ दिस ट्रिप. सो लेट्स गो. नरसिंहपुर में ब्लॉग कर रही हूँ मैं. मुझे लगता है पहली ब्लॉगर होंगी जो नरसिंहपुर में ब्लॉग कर रही है. हाय अभिलाष. सर्विंग फूड. व्हाट्स दिस? मटर पनीर. व्हाट्स दिस? आलू गोभी. कहाँ जाना है? नरसिंहपुर टू आगरा. गाइज हम लोग निकल चुके हैं. वी आर ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू सिद्धांत. वी आर ऑन आवर वे टू पिक परीक्षित और फिर हम लोग निकल जाएंगे ट्रिप के लिए. सिद्धांत इज ड्राइविंग. ये सिद्धांत और ये बैठी हमारी अभिलाषा. क्या कर रही हो अभिलाषा? मैं अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर रही हूँ ताकि परीक्षित भैया कनेक्ट ना कर पाए. ओके, तो तुम हमें मस्त मस्त गाने सुनाओगी? यस, आई विल बी योर डीजे. क्या खा रहे हो? अरबी के पत्तों की कोई डिश. इसको सेड़ा बोलते हैं. सेड़ा. सेड़ा. ये महाराष्ट्रियन डिश है ना अभिलाषा? तुम तो महाराष्ट्रीय ना, बताओ क्या ये महाराष्ट्रियन डिश है? हाँ, हाँ, कितने पीसेस खाए? असली गुजराती वाला लगा. वेरी टेस्टी. अभी हमने छोटा सा ब्रेक लिया है. यहाँ पे एक शहर पंजाबी ढाबा है. खाना खाने नहीं, पीछे टॉयलेट से वहाँ पे वॉशरूम जाने के लिए. सुसु आई सुसु. तो अभी अभिलाषा गई है, मैंने उसे पी सेव दे दिया है. अब वो करेगी सेफली पी. सिद्धांत तुम्हारी गाड़ी तो पीछे से वो हो गई, कुछ कुछ हो गई तुम्हारी गाड़ी. क्या बोला सिद्धांत? फिर से बोलो. तुम लोग के सुसु करने के बाद गाड़ी बहुत हल्की चल रही है. बोलता हम लोग के सुसु करने के बाद गाड़ी हल्की चल रही है. 1 लीटर निकाल परीक्षित देंगे हमें आगे का अपडेट. हम कहाँ पहुँचे, हम कहाँ जा रहे हैं. जी ब्लॉक करिए. अभी we are about to reach Gwalior, some 30 kilometers to Gwalior. We won't enter the city, we'll take the bypass route and from there we'll go to Agra, which is around 130 kilometers. So yes, 2.5 hours more if we stop for the lunch. Yeah, so that's that we will stop for the lunch. हम लोग खाना खाने के लिए रुके हुए हैं and I'm gonna show you what we all are having. So this is mine, paneer with roti, paneer with naan, same paneer. What are you having, Siddhant? Chola kulcha. I don't think so. We will call that kulcha. No, basically pav hai. Pav kulcha. बच्चा लग रहा है सिद्धांत, वो मास्क लटक रहा है उसके. एंड व्हाट आर यू हैविंग? देसी एकदम दाल चावल. दाल चावल विद रायता. माय रायता इज अवेटिंग. यस परीक्षित, यू आर अ ट्रू इंडियन. देसी मम्मी. देसी मम्मी. आई आस्क्ड हिम फर्स्ट, कैन आई गेट दिस फॉर, देन ही सेड ओके. हां, मैंने पहले तो कभी नहीं पूछा.
So last time I vlogged, we were having lunch, and then we are now in Agra. सिद्धांत ने 7 घंटे 40 मिनट गाड़ी चलाई उसने. And still he's driving. और वो मुझे कह रहा था मैं तो 7 घंटे और चला सकता हूँ. इतना फ्रेश हूँ मैं. कर लूँगा मैं. तो ऐसा ना वो हमें छोड़ के निकल जाए. छोटी छोटी गलियाँ. बोलो बाबा. क्या कर रहे हैं बाबा? Check-in. Guys हम लोग होटल में चेक इन कर रहे हैं. ठीक है तो अभी वो भाई साहब आए हमारा सामान लेने के लिए और मैं पूरे रास्ते मस्त आराम से बैठ के आई हूँ. अभिलाषा कंटेंट दो. दिस इज द रूम गाइस. दैट्स द वॉशरूम एरिया. दैट्स मी बेड. The view. क्या रहे अभिलाषा? खाने. भूख लगी है? आगरा की famous चाट खाने. आगरा की famous चाट खाने. Wow. Okay. Cool. Let's go. Let's go. कार्ड निकाले ना बेटा. कार्ड निकाल. पहले आप. Ladies first. Then second lady. Second. हम लोग सदर बाजार जा रहे हैं. अभिलाषा को खाना है चाट. अभी तो हम लोग पहुंचे थे शाम को तो ऐसे कहीं घूमने नहीं गए. वी वर जस्ट रेस्टिंग इन द होटल एंड अभी हम लोग खाएंगे चाट एंड देन खाना वाना जो भी. चाट में एक एक्स्ट्रा आ मिला के खिलाऊं तुम्हें चाटा. चाट. हमारा पचका हो गया गाइस. संडे आज बंद है सब कुछ. सदर बाजार बंद है. संडे है. हमारा पचका हो गया. तो सिद्धांत कह रहे हैं कि गूगल में सर्च करो चाट नियर. दूर से कितना चटाक लग रहा है देखो. हाँ लिटरली. और कितना ज्यादा स्माइलिंग है यार. हाँ एकदम. गाइस मुझे लगता है आप लोग को आवाज नहीं आ रही होगी बट हम लोग यहाँ पे आए मामा चिकन फ्रैंकी हाउस. यहाँ पे वेजिटेरियन भी मिलता है और ये वेजिटेरियन इंसान हमारी और अर्षित और सिद्धांत गए ऑर्डर लेने के लिए. बहुत गर्मी भी आज. बारिश तो बंद हो गई बट हेलो छाता दे आपको. आ गए. ओके. भाग भाग के आ रहे. वी आर जस्ट वरीड कि हमारा खाना तो ठीक हो ठीक है. तुम लोग नहीं नहीं. थैंक यू बाबा जी का प्रसाद. ये क्या है? चिकन मोमोज है ना? चिकन स्टीम. एंड व्हाट आर यू हैविंग गाइस? वेज मोमो. हां वो सामने वेजिटेरियन बैठे हैं. हम लोग नॉन वेजिटेरियंस बैठे हैं. ये तो हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन है. ये प्योर नॉन वेजिटेरियन. यस प्योर नॉन वेजिटेरियन. कुछ नहीं होता है ठीक है ना. ये है अभिलाषा की गाड़ी का स्वच्छ कैन और इसमें हम सुबह से कचरा भर रहे हैं. सारे बिल्स भर दिए हमने इसमें. व्हाट्स अप गाइस. चेंज कर लिया है मैंने. लैपटॉप मेरे पास है अभी एंड वी वर बुकिंग टिकट्स फॉर ताजमहल. अभी ऐसा पता चला है हमें कि ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा आपको जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके. ये है हमारी ई टिकट ठीक है. और ये मैंने व्हाट्सएप में जो हमारा ग्रुप बना ना उसमें ऑलरेडी डाल दिया है. कल वैसे भी हम लोग यहाँ होटल रूम से चेकआउट करके ताजमहल घूम के फिर वहीं से चंडीगढ़ के लिए निकल जाएंगे. आई एम गोना सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग. Hey guys, today is day 2 of our road trip. हम लोगों ने होटल छोड़ दिया है ठीक है. चेक आउट कर लिया हमने. क्या चेक आउट कर लिया. और अभी हम लोग ताज के पास ही एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी हम लोग नाश्ता करेंगे. आर वी रनिंग ऑन टाइम सिद्धांत? नहीं लिटिल बिट लेट. हाफ एन आवर लेट चल रहे हम लोग. कोई बात नहीं. चलो अब हम नाश्ता करते हैं. थैंक यू सिद्धांत फॉर होल्डिंग द कैमरा. बारिश हो रही है. मेरा बैग. मेरा दुपट्टा. मुझे बॉलीवुड मूवमेंट नहीं चाहिए. दुपट्टा नहीं फंसना चाहिए गाड़ी. हम लोग ताज रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं. ताज रसोई रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं. नहीं सिर्फ जी गाइज मतलब भूख लग गई. बहुत ही भूख लगी. मुझे लो एनर्जी लग गई. एनर्जी चाहिए. कब आएगा खाना? हम अपना डिसइंफेक्टेंट लेके चल रहे हैं तो हम जहाँ जाते डिसइंफेक्टेंट यूज कर लेते हैं. नाश्ता आ गया. दिस इज पनीर पराठा. आलू पराठा. यस वो कॉम्बो में लिखा था. दैट्स पनीर पराठा. हो गया हमारा नाश्ता. अब हम जा रहे ताजमहल.
स्पॉटेड पिकॉक वहाँ पे, और सिद्धांत इतना खुश हो गया उसको देख के। यार मैचिंग मैचिंग ही ना पिकॉक। अरे हाँ सिद्धांत, हाँ दैट्स रियल। बाबा हम पहुँच गए बाबा। गाइस हम लोग ने गाड़ी पार्क कर ली, हम लोग ने गाइड ले लिया है, ठीक है। अब हम ई रिक्शा में बैठे हुए हैं, माई गैंग इज हियर। अब हम जा रहे हैं ताजमहल देखने। कुछ भी कुछ भी कितनी भीड़ है। आज मंडे है सो इनका वीकेंड ऑफ था, तो इसकी वजह से बहुत भीड़ है आज। गाइस हमारा चेक इन हो चुका है, बहुत भीड़ है आज। इयररिंग बार बार निकल रही मेरी। हम अपने गाइड को फॉलो करेंगे। ये चीज़ हमको बिल्कुल पसंद नहीं, ये जो लिख दिया यहाँ पे, नॉट गुड। हमारे गाइड हमें सब समझा रहे हैं और वो आगे निकल गए और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। तो जिस गेट से हम लोगों ने एंट्री करी, इसे बोलते हैं ईस्ट गेट। इसके फोर गेट है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। नॉर्थ गेट जो देख रहे हैं इसे रॉयल गेट के नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट है 105 फीट, अबाउट 35 मीटर। मिडिल में आपको स्मॉल स्मॉल डॉम लगा है प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये 11 फ्रंट में, 11 इसके बिहाइंड साइड में, टोटल 22 डॉम्स। यानी ताजमहल जो कंप्लीट हुआ था वो 22 साल में हुआ था। कितना सुंदर है ताजमहल सही में। ओह माय गॉड, बारिश हो गई तो लोग भाग गए, क्यों भागे, और जितनी भीड़ थी सब कम हो गई यहाँ पे। लुक एट दैट। अरे मुझे भी चाहता दे दो। हम 8:30 बजे ताजमहल देख के निकल जाए। हाँ पर मतलब 10 बजे तक, अभी ऑलरेडी 12 बज चुका है। हमारे 12 बज गए, बीच में बारिश होगी ना इसलिए, ठीक है। 1 बजे तक से पहले नहीं निकल पाएंगे ना। ये हमारे गाइड है और वो हमारी अभिलाषा। देख रहे हो फोटोग्राफी, सिद्धांत चेक कर रहे साइड खींच रहा है कि नहीं। हम अंदर शाहजहाँ और मुमताज का डुप्लीकेट मकबरा देख के आ रहे हैं, और पीछे यमुना रिवर। मैं तो पूरी एकदम टूरिस्ट गाइड बन गई, आप लोग देख सकते हैं। पॉल्यूशन कितना है यमुना में, बहुत ही। हमारे गाइड बता रहे थे फिर भी थोड़ा अभी अच्छी हालत में, वरना पहले तो बहुत ही गंदा हालत था। और वो जो कारीगर वगैरह थे ना जिन्होंने ताजमहल बनाया था, उनके कोई हाथ नहीं काटे थे, ठीक है, वो सब मिथ है। एंड इट्स सो प्रिटी, आई कांट इवन बिलीव माय आईज। गाइस परीक्षित इज हैंडलिंग रेस्ट ऑफ द व्लॉग, तुम कर लो रेस्ट ऑफ द व्लॉग। सो दीस एक्सटीरियर मीनार्स, दे आर स्लाइटली लीनिंग टू द आउटसाइड, सो दैट in an unfortunate case of an earthquake or something, this won't fall on the inside on the main mausoleum. Bye Taj, you beauty. फिर मिलेंगे। बाबा मजा आ रहा है बाबा? एक नंबर। कैसे जा रही है भाई रोड ट्रिप? स्लो छे। स्लो छे। गाइस द टूर वाज अराउंड 1.5 आवर का टूर। अभी इतनी गर्मी सी लग रही ना, क्योंकि उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। गर्मी में तो और तपता होगा एकदम, मार्बल का बना सब कुछ। तो अभी हम कुछ ठंडा जाके पियेंगे। मेरे इयररिंग्स का कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ का निकल जाता नहीं तो यहाँ का निकल जाता। बंटा बंटा पियेंगे। बंटा नहीं पीते, बंटा पियेंगे। नहीं हम बंटा पियेंगे, हम फेंकेंगे नहीं, हम पूरा बंटा पियेंगे। बंटा ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। थैंक यू सर। कौन सा वाला हमारा? जो लेना, जो लेना। थैंक यू सो मच। लो ये हमारा बंटा आ गया। देखने के बाद वी आर बैक इन द रोड एंड वी वर हेडिंग टुवर्ड्स चंडीगढ़। वहाँ पे हमारा एक रात का हॉल्ट था और नेक्स्ट डे हम लोग को शिमला के लिए निकलना था। एंड लेट मी टेल यू, ताजमहल इतना ज्यादा खूबसूरत है, मैं ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज इन द मोमेंट। सिद्धांत टोल पे कर रहा है। ओके सो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम लोग, मेरा फोन बजा क्या? नहीं, मेरा सिद्धांत का परीक्षित का रिंगटोन एकदम सेम है, आई वाज लाइक मेरा फोन बजा क्या। हाँ तो मैं बोल रही थी कि हम लोग ने ना किटी बनाई है जिसमें पर पर्सन इज एडिंग 2000 रुपीज। हेलो। और वो सारे पैसे परीक्षित रख रहा है। हेलो। एंड देन हम उसी किटी में से खर्च करते हैं जो अभी हमारा खर्चा हो रहा है फॉर दिस रोड ट्रिप। तो ऐसे में हमें मतलब हिसाब का टेंशन नहीं रहेगा। चार डाल दे गाइस, अभी हम रुके हुए खाना खाने के लिए और ये लॉन्डे लोग डिस्कस कर रहे पैसा पैसा। तीन तीन डाल दे रहे हैं, हम किटी अपडेट कर रहे हैं बेसिकली, और पैसा डाल रहे किटी में। तो ये है वो जगह जहाँ पे हम लोग खाने वाले हैं खाना। गाइस वी फाउंड अ बंदर। कुछ भी होगा अभिलाषा, अभिलाषा बंदर से डर रही है बिकॉज ऑफ हर हिस्ट्री विद बंदर। कुछ नहीं हो गया अभिलाषा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ। हाँ भागो भागो।
वाह अभिलाषा, क्या टूरिस्टी स्टफ कर रही हो तुम, मस्त कॉन्टेंट दे रही है अभिलाषा। प्राइसेस तो आकाश छू रहे, आकाश देख लो कितना महंगा है सब कुछ, बाप रे। यहाँ पे कोस्टा कॉफी भी है, वहाँ से मफिन लेंगे हम लोग। हम लोग ये ले रहे हैं और ये ले रहे हैं, ये वो वाले ब्राउनीज नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है ना। कुछ लोग को काम से फुर्सत ही नहीं है, बताओ क्या ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की हमारे ऋतिक रोशन ने जो काम साथ में लेके चलते, बताओ। फेंक दूं क्या? फोन फेंक दे क्या इनका? अभिलाषा तुम इनका फोन फेंक दो। ओहो somebody please, कोई इसका फोन बाहर फेंक दो यार। Evaluation is done, right? या सो क्या कर रहा है यार? हमारा खाना हो चुका है एंड ये हमारे अर्जुन फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा लगे पड़े कॉल में। तुम मेंटली तो सिक हो चुके हो बॉय। बॉय नहीं, हमने लिया है एक हॉल्ट छोटा सा चाय पीने के लिए, अकॉर्डिंग टू सिद्धांत एशिया का सबसे बड़ा ढाबा। एशिया के बाहर दुनिया में और कहीं ढाबे नहीं है, सो मैंने इसे एशिया का सबसे बड़ा ढाबा इसने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। इफ इट्स एशियाज लार्जेस्ट ढाबा देन इट अपेरेंटली इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ढाबा। गाइस हम लोग अमृत सुखदेव में है। सो अमृत सुखदेव इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ढाबा इन इंडिया। ये ढाबा वाली फील नहीं दिलाता, बट इट स्टार्टेड आउट एज अ ढाबा एंड नाउ दे हैव स्केल्ड देमसेल्फ अप। दे हैव अ ह्यूज स्टार, वैरायटी ऑफ फूड मिल जाएंगे आपको यहाँ पे और चाय काफी अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग ढाबे के अंदर बैठे, काफी बड़ा ढाबा है ये, मेरी दो अनमोल रतन। सो अभी 200 किलोमीटर और है चंडीगढ़ को। आज हमारे सिद्धांत भाई साहब ने ड्राइव किया 4.5 घंटे, है ना, क्योंकि 3 घंटे और ड्राइव करेंगे। पर यार सिद्धांत तो बहुत स्मूथ ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर नहीं, हैवी ड्राइवर। क्या क्या ऑर्डर किया? आलू पराठा और चाय। पराठे, पराठे, हाय मक्खन देख लो तुम, मक्खन बांटे थोड़ा कम लग रहा मक्खन। बताओ 10 out of 10, one of the best parathas actually. Guys, golden hour हो चुके हैं, हम लोग निकल चुके हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े ढाबे से। अभिलाषा अपने घर पे अपडेट दे रही है और हम लोग कह रहे हैं कि यार हमारे घर पे कॉल कर दो और अपडेट दे दो। एंड अभिलाषा बहुत So this is Manchali Imli. And I anyway love Imli. But chai bahut achhi thi yaar. Maine vlog nahi kiya us wale part ko because we were enjoying it. Bahut achhi hai. कहीं दूर शोर से एक नया दौर है। I was enjoying the sunset and I was thinking this is it, I'm finally living the life, I'm doing things that I was always afraid to do and that too with friends जिनके साथ समय का पता ही नहीं चल रहा था। We were actually enjoying our journey. बताओ क्या बता रही थी? भाई चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लांड डेवलपमेंट प्लांड जस्ट लाइक नवी मुंबई है, एवरीथिंग इज इन ब्लॉक सेक्टर्स, सो नो रैंडम टर्न्स और ये बात तो है गली कूचे। रात हो गई गाइस 9 बज गए और हमने 1052 किलोमीटर कर लिया 2 दिन में। गाइस हम चंडीगढ़ पहुंच गए, हम लोग भी कुछ खा लें बस और थोड़ा गाड़ी चेंज हो चुकी है हमारा। अभी जो हमारे ड्राइवर भाई साहब तुम्हारे पकड़ में आ गए और उनकी उनकी पत्नी यहाँ आ गई, हम उनके पीछे बैठ गए। पत्नी यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं डिनर और ये बाबा चिकन में वेज और नॉन वेज चिकन दोनों मिलता है, ठीक है सिद्धार्थ? लहसुन प्याज पनीर दाल मखनी बटर चिकन, वो हमारे नॉन वेजिटेरियन ठीक है, और ये वेजिटेरियन, ये भी वेजिटेरियन, ये परीक्षित के फ्रेंड है और मैं शांति गाइस। परीक्षित हमारे साथ पूरे ट्रिप में एक भी फोटो नहीं लिया अपने फोन में एंड लुक एट हिम, लुक एट हिम। सिद्धांत हम पंजाब में है तो तुम कैसे बताओगे कि अभिलाषा तुम्हारी पत्नी है? बोलो मारी जनानी नहीं, अब सिद्धांत भी बताया तुमको सड़ी सड़ी जनानी। और इससे पहले सिद्धांत बोल रहा था सड़ी 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 जनानी। भाई तुम्हारा खाना पीना हो चुका है, आपको लग रहा होगा कि गाड़ी ऐसे चेंज क्यों होगी, सो बेसिकली परीक्षित के जो फ्रेंड है ना उनकी गाड़ी है ये। गाइस हम होटल रूम आ चुके हैं, अभिलाषा देखो पूरी यहाँ पे हमारे शॉट बोला बहुत अच्छा, नहीं दिखाना चाह रही अपने आंख। व्लॉगिंग कैमरा ने दे दिया जवाब, ठीक है वो बिल्कुल भी चार्ज में नहीं है एंड बॉयज आर आल्सो हियर और डिस्कसिंग कहाँ जाना है कैसे रहना है। दिस वाज पार्ट 1 ऑफ दिस व्लॉग और अभिलाषा क्यों नहीं दिखा रही हो मुंडी, दिखो मुंडी। पीस आउट फ्रॉम पार्ट 1।
गाड़ी को फाइन लग रहा है। अभी अभी मुझे पता चला व्हाई बच्चन साहब स्टैचू वाज देयर। दो घंटे से होटल ढूंढ रहे हैं। अभिलाषा